देख पा रहे समुद्र, देखिए किस तरह से लहरें मार रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना डेंजरस पानी आता है उधर से। देखिए आगे से देखिए कितना हाइट में पानी आ रहा है और यहाँ पे लोग इंजॉय ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग नाइट सफ़र कर रहे हैं और ट्रैवल के लिए निकले हैं पुरी। दोस्तों पुरी में आज आपको देखने के लिए मिलेगा समुद्र का सीन, बीच का, और पुरी टेंपल देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हम पुरी का कई सारा सीन आप लोग को दिखा चुके हैं, ये सबसे सुपर है, इसको आप लोग पूरा देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग नाइट में निकले हैं और सुबह वहाँ जाके आराम से हम लोग घूमने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में नए आए हैं चैनल में तो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग का ऐसे सफ़र चल रहा है, यहाँ पे देखिए कोई अच्छा सा घर जैसा दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत सीन है, रात का नज़ारा है और कोई इतना हाईफाई कैमरा नहीं है कि बहुत ही अच्छा आ जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक क्वालिटी दिया है रात में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का सफ़र अभी जारी है और नाइट का ये सीन है। दोस्तों पुरी आप अगर नहीं गए हैं, नाम तो ज़रूर सुने होंगे, और पुरी में दोस्तों एक से एक बीच है, मतलब कि समुद्र का पानी जो लहरें मारती है ना, वो देखने के लिए सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत बड़ा ये पेट्रोल पंप है, देख रहे हो किस तरह से पेट्रोल पंप है, ऐसे लग रहा है कोई कोई दूसरा मतलब कंट्री हो, इस तरह से लाइट वाइट का सेटिंग किया हुआ है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो बने रहिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से सुबह का सफ़र जारी है और हम लोग एक ब्रिज से अभी गुजर रहे हैं, पुरी की ओर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको हम ये बता रहे थे, दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा समुद्र में जो नमक जैसा पानी आता है वो देखने के लिए मिलेगा, और आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से लोग वहाँ पे पानी के लहरों के साथ एंजॉय करते हैं वो भी देखने के लिए इसमें मिलेगा। यहाँ पे अच्छा से अच्छा फूल है, थोड़ा सा सीन यहाँ भी ले लिए हैं दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों एक ब्रिज है, बहुत ही अजीब जैसा लग रहा है देखने में, थोड़ा जूम करके इसको लेते हैं, देखते हैं थोड़ा कैसा लगता है देखने में, बहुत ही अजीब जैसा लग रहा है। थोड़ा और जूम करते हैं इसको, देखिए कैसा लग रहा है देखने में, ये देखिए कुछ अजीब तरह का ये ब्रिज लग रहा है देखने में, बहुत ही गाड़ी चल रहा है दोस्तों रास्ते में, तो जितना हो सके उतना सा सीन ले लेते हैं, क्योंकि तो दोस्तों पूरा रास्ते का सीन अगर आपको हम दिखाने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को काट काट के थोड़ा थोड़ा करके लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए कोई अच्छा सा हाउस दिख रहा है, जगह का नाम तो पता नहीं लेकिन अच्छा जगह दिख रहा है ये जो हाउस जैसा दिखा। तो दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे टेम्पल पे जाएंगे सारे फ्रेंड, और इसके बाद बीच पे आपको लेके जाएंगे घूमने के लिए। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि तो दोस्तों आप लोग स्किप करके देखेंगे तो एंजॉय ही अलग आएगा आपको, और अगर पूरा देखेंगे शुरू से तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि तो जो समुद्र है वहाँ तक जाने के लिए दोस्तों डायरेक्टली कोई नहीं जाता है। देखिए ये जगह तो पूरी का दोस्तों फेमस इसलिए हुआ है कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो लोग टेम्पल पे जाते हैं और वहाँ अपना पूजा वूजा करते हैं जो भी, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं घूमने के लिए समुद्र में नहाने के लिए। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है कि दो दो रीज़न है यहाँ पे आदमी आने का, और दोस्तों उड़ीसा से ज़्यादा यहाँ पे बाहर के आदमी आते हैं, बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं बाहर के घूमने के लिए। आप अगर यूपी बिहार से देख रहे हैं तो आप अगर नहीं पता होगा आपको तो पूरी कहीं भी सर्च मारिए गूगल में, यूट्यूब में पूरी खाली सर्च मार दीजिए, आपको पूरी का एक से एक सीन देखने के लिए मिलेगा, मार्केट का, टेम्पल का, बीच का, तो इस तरह से आपको सीन मिलता रहेगा देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है उड़ीसा। और यहाँ से देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा टेम्पल दिख रहा है वो जो आप देख पा रहे हैं, और थोड़ा नज़दीक जाके दूसरा शॉट हम लोग लेते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ से काफ़ी दूर लग रहा है देखने में। तो दोस्तों ये देखिए नज़दीक का शॉट किस तरह देखने में, और भाई साहब यहाँ पे भीड़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्रेस से भी आपको कुछ पता चलेगा कि मतलब अदर स्टेट से भी लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे पूरी, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों ये टेम्पल की वजह से फेमस है और बीच की वजह से, समुंदर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लोग यही आते हैं टेम्पल पे, अपना पूजा वूजा करके, नहा धो के पूजा करके फिर निकलते हैं घूमने के लिए। तो दो दो रीजन है दोस्तों, ये देखिए कितना शानदार है यहाँ पे जगह। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कास्ट के आते हैं घूमने के लिए। जो जैसे हम लोग का फ्रेंड है तो सनातन है, तो वो लोग यहाँ पे टेम्पल पे जाएंगे अभी और पूजा वूजा करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे बीच पे घूमने के लिए। तो दोस्तों अगला सफर है बीच की ओर, तो आप लोग वीडियो बने रहिए। ये देखिए यहाँ से कुछ ही दूर पे है बीच, समुद्र कुछ ही दूरी पे है। तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए, आपको अगला नज़ारा कराते हैं समुद्र का। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे एक से एक चीज़। और आगे देखिए सीन, ये घोड़े वाला भैया 100 रुपये मांग रहा है, ये बोल रहा है एक राइडिंग कराने के लिए 100 रुपये लेंगे। दोस्तों कमाने का एक से एक जरिया है, तो कमाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसी तरह से घोड़े लेके ये कमा भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों ये पानी उधर से आ रहा है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसको हम स्लो किए हैं क्योंकि तो बहुत तेज़ी से आता है पानी, तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं। वीडियो स्लो किए हैं ताकि आप देख पाए। देखिए दोस्तों किस तरह से समुद्र से पानी आता है किनारे, ये देखिए आगे कितना साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन पानी आएगा फिर पानी वापस चला जाएगा और फिर यहाँ पे इसी तरह रेत ही रेत दिखेगा। ये देखिए जैसे किसी कहावत में नहीं है, क्यों बनाते हो समुंदर पे, क्या बोलता है मकान, एक ऐसा कुछ शहरी है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे है। क्योंकि तो समुंदर में अब कुछ भी यहाँ लिखेंगे अभी तो थोड़ा देर बाद वो पानी आके मिटा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड लोग समोसा खा रहे, देखिए इस तरह से एंजॉय चल रहा है। ओ भाई साहब समोसे का वीडियो, ये देखिए फ्रेंड लोग समोसा का एंजॉय ले रहे हैं। दोस्तों अगर बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, यहाँ से जहाँ पे हम हैं अभी, यहाँ से लगभग 1.5, अंदाज़ा तो ऐसे नहीं किए हैं कितना होगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगा जाने में। तो अच्छा से अच्छा सीन, अच्छा से अच्छा मोमेंट, ये सब कलेक्ट करना पड़ता है। और अगर वॉइस अगर नहीं ठीक से वीडियो में होता है तो दोस्तों बाद में हम लोग भी डाल देते हैं, क्योंकि तो इतना ज़्यादा साउंड होता है, शोर शराबा होता है, तो वॉइस वहाँ पे साथ ही साथ में वॉइस लेना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो वीडियो कलेक्ट करके उसके बाद वॉइस हम लोग बाद में ओवर कर देते हैं, तो वो दोनों का काम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ सीन है यहाँ पे, सब अपना अपना स्टाइल मार रहे हैं फ्रेंड लोग, क्योंकि अगर बाहर निकले हैं और वो ऐसे आ जाए तो मज़ा ही कुछ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीन है दोस्तों समुद्र का, देख सकते हैं पानी पानी बिल्कुल। और दोस्तों आगे आप देखेंगे काफ़ी सारा भीड़ है, क्योंकि ये पूरी का जो समुद्र है यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं कि किस किस लिए फेमस है। ये देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब बाहर अदर स्टेट का है, क्योंकि तो उड़ीसा का लोग दोस्तों यहाँ पे अपना अपना इनकम में ज़्यादा लगे रहते हैं, और जिसको नहाना है वो नहा के निकल लेते हैं। ये जो देख पा रहे हैं समुद्र, देखिए किस तरह से लहरें मार रहा है, देख सकते हैं दोस्तों कितना डेंजरस पानी आता है उधर से। देखिए आगे से, आगे से देखिए कितना हाइट में पानी आ रहा है और यहाँ पे लोग इंजॉय ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पानी आता है फिर वापस चला जाता है, बिल्कुल रेत ही रेत दिखता है। ये देखिए क्या सीन है, आप लोग ऐसे सीन देख के इंजॉय लेते हैं। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस तरह से और भी सीन देखने के लिए होगा। काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए ये जो देख रहे हैं पानी, ये नमक वाला है जो ऊपर देख रहे हैं, ये पानी अगर आप रोक के स्टोर करके रख लेंगे तो बिल्कुल नमक ही नमक हो जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इतना सीन लेने के बाद हम लोग रिटर्न आ गए वापस। तो देखिए दोस्तों ये नज़ारा है इधर का, उड़ीसा का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिएगा कि अच्छा लगा है, इससे अच्छा और सीन दिखाइए तो हम दिखाएंगे। बड़े बड़े मतलब राजाओं का किला है यहाँ पे, बड़े एक से एक मतलब गुफा है उड़ीसा में। तो आप लोग यार ऐसे देखोगे जैसे हमारा फ्रेंड एक लॉलीपॉप ले रहा है,
उसी तरह आप ऐसे देखोगे तो कैसे होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।